सुमित पासी डिस्टर्ब कर रहे हैं और आदित्य चौधरी जो नेपाल के डिफेंडर हैं उन्हें मालूम है कि सुमित पासी एक तेज खिलाड़ी हैं। सो 30 मिनट्स गॉन, नो स्कोर येट ऑन द बोर्ड एंड माय कलीग्स माइट ब्रिंग सम लक, राजेश तिवारी एंड अनुपम। इसी बीच अच्छा सेंटर है पेनल्टी सीमा के अंदर, लेकिन बहुत खूबसूरती के साथ नेपाली खिलाड़ियों ने उसे क्लियर किया और एक बार फिर नेपाल का आक्रमण, लेकिन गलत पास है। इसी के साथ भारतीय खिलाड़ी से गेंद छोड़ी और ये बहुत खतरनाक हो सकता है। मैच ओवर से आक्रमण कर रहा है नेपाल काफी तेज गति के साथ। महमूद गुरुन के पास गेंद, उन्होंने सरकार दी है विशाल राय के पास अपना गोल की कर रहा है और इसी के साथ एक बार फिर फ्री किक। ये देखिए किस ढंग से वहाँ पर तेजी के साथ नेपाली खिलाड़ी रंजन बिष्टा निकले, उन्हें फाउल किया गया और जब उन्हें फाउल किया गया तो फ्री किक नेपाल को। तो एक बार फिर मौका है नेपाल के लिए। रंजन बिष्टा आपकी स्क्रीन पर। नेपाल लगातार आक्रमण कर रहा है, दूसरा हाफ में करीब 64 मिनट का समय खिसक गया है और नेपाल अभी भी पिछड़ रहा है। जहाँ तक फाइनल के सवाल, दक्षिण एशिया दक्षिण एशिया खेले भारत और नेपाल के बीच मुकाबला चल रहा है। सीधा प्रश्न है, you're seeing a distinctly different style with a little more urgency in the second half from Nepal. And they're playing quick line. They're doing their short, accurate passing and have won this free kick. Vishal Rai is there. Takes the kick. By Nepal and there it is. Superb run from Prakash Gunatoki. Look at it. निश्चित रूप से किसी भी गोल कर सकते हैं। जाती है
हवा में घूमती हुई बिल्कुल गति के साथ आए और ठीक शुरुआत के साथ नेपाल की तरफ से बराबर हुई। अब भारत एक नेपाल एक और क्योंकि ज्यादातर खिलाड़ी उम्र दराज नहीं है, अनुभव की कमी है उनके पास, 23 साल से भी कम के हैं प्रकाश, और उन्होंने जिस क्षमता का दम लाना और उस पर उसे भारतीय खिलाड़ियों के पास किया। दाने छोड़कर पासी की तरफ लंबा पड़ाटिंग करते हुए तेजी के साथ भारतीय रन का प्रयास, लेकिन नेपाल की रक्षक युवराज काफी सुधर सुचारू रूप से गेंद को पकड़ा और अब लंबा पास वहाँ पर एक मात्र खिलाड़ी और जैसे कि आप देख सकते हैं भारत आक्रमण करने की कोशिश कर रहा है, एक बार फिर भारतीय खिलाड़ी के पास गेंद, अच्छे से स्किल दिखाया, अच्छी स्क्रीनिंग वहाँ पर सकते हैं, लेकिन एक बार फिर नेपाली खिलाड़ियों के पास गेंद, एक बार फिर चीनी कप्तान नारायण दास से गेंद चीनी और एक बार फिर इस तरह से दोनों टीमें एक एक की बराबरी पर, कभी नेपाल आक्रमण कर रहा है तो करीब कभी भारत, लेकिन ज़्यादातर आक्रमण नेपाल के हो रहे हैं, बाएं छोर से उनके आक्रमण बहुत ही अच्छे हो रहे हैं और बाएं छोर से भारत विफल एक बार फिर Big
taking distance for the ball players from half mila sakte the wicket uthi se aur ye ball players pehle baar aata hai Sudanka ne wahan se cross kiya tha gate anand ka tamam ko thakate hue 40 run ke baad ye ball ne zyada dhoom pakai thi wahan par